अगर कोई महात्मा करते तेरे छोटे भी उनका पुरुषा पिछले जन्म का अगले जन्म में एक हो जाएगा तो एक हो जाएगा कि ऐड हो जाएगा ऐड हो जाएगा कोई भी आत्मा हो महात्मा हो पुरुषार्थी हो पाप भी करता है पुण्य भी करता है तो पतित दुनिया में पापों का बोझा भी बढ़ता है फिर कोई बहुत पुण्य करते हैं किसी जन्म में इसी पाप की दुनिया में कोई कोई बहुत पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में राजा बन जाते हैं तो लोग जो आत्माएं हैं वो पुण्य का भी खाता बढ़ाती है और पाप का भी खाता बढ़ाती है नियम ये है कि पाप या पुण्य जितना तीव्र गति से किया जाता है उतना जल्दी फल देता है और जितना धीमी गति से पुरुषार्थ होगा धीमी गति से पाप और पुण्य होगा तो उसका बहुत जन्मों के बाद फल मिलता है बाकी ऐसा नहीं है कि जन्म में किया हुआ पुरुषार्थ अगले जन्म में ट्रांसफर न हो किसी का वो सिर्फ संगम युग ही है और संगम युग का भी अंतिम चरण है जबकि विनाश होता है तो सबका पुराना चुकतू हो जाता है मुरली में कहा है कि मान के लोगों को किसी के साथ भावनाओं का जो प्यार होता है बाबा के प्रति भावनाओं के प्यार की किसी के साथ भेंट नहीं की जा सकती है क्यों असुरों से भी भेंट नहीं कर सकते बांधेलियां जो होती हैं, उनका तन भी बंधन में है उनका धन भी सारा बंधन में है
उनकी वाचा भी बंधन में है, जो चाहे तो फ्री होके नहीं बोल सकती, हर तरीके से बंधी हुई है। तन को बांधा जा सकता है, धन को कोई बांध सकता है, मुंह में लगाम कोई लगा सकता है, दृष्टि कोई 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 बांध सकता है, चाबी राही में बंद कर देंगे, घूंघट की प्रथा में डाल देंगे, बुरका पहनाई देंगे, दृष्टि को बांध दिया ना, तो हर तरह का तो बंधन डाल सकते हैं, लेकिन मन को कोई बांध सकता है क्या? बांध सकता है? है? नहीं बांध सकता है। जैसे कोई लूले लंगड़े बहरे गूंगे होते हैं तो उनकी ये इंद्रियां तो काम नहीं करती, परंतु दूसरी इंद्रियां ज्यादा तीखी हो जाती हैं कि नहीं है? दूसरी इंद्रियां बहुत तीखी हो जाती हैं। ऐसे ही जिनका तन भी बांध लिया गया, जिनका धन भी बांध लिया गया, जिनकी वाचा भी बांध ली गई, मन तो बांधा नहीं जा सकता, इसलिए तेजी से कौन सी इंद्रिय काम करती है? मन जो मुख्य इंद्रिय है वो बहुत तेजी से काम करती है, काम करती रहेंगी, बच्चों को खिलाती रहेंगी, कर्म करते हुए भी बुद्धि मन बाबा की याद में लगा रहे, इसलिए बोला कि जो बांधेलियां हैं उनके प्यार की तुलना कोई से भी नहीं की जा सकती। बाबा भक्त मार्ग में काली माता को दिखाया, काली माता के भाव के नीचे शंकर है, अगर काली माता का वृद्धि में सुप्रीम कोर्ट को दिखाया इसका यादगार जितने भी हैं वो कहाँ के हैं? संगम के यादगार हैं। संगम युग में जो भी महाकाली का पार्ट बजाने वाली पुरुषार्थी जीवन वाली होगी वो बाहर से इंद्रियों के द्वारा कोई भी कर्म करे भगवान को ही लाख क्यों न मारती हुई दिखाई दे, लेकिन मन से भगवान को भूल नहीं सकती। इसलिए भक्ति मार्ग के चित्रों में माँ काली का पांव शंकर की छाती पर दिखाया गया है, लेकिन वो तो स्थूल पांव है, लेकिन बुद्ध रूपी पांव कहाँ टिका हुआ है? बुद्ध रूपी पांव उसी स्वरूप की याद में टिका हुआ है, वो याद भुलाई नहीं जा सकती, इसलिए यादगार दिखाते। बाबा 16108 में ढेर सारे दादा जो है उनके संख्या कितने होगी और उनकी कटली कैसी होगी, जन्म जन्मांतर दास दासी बनकर कैसी करके सिर्फ ये जन्म ब्रिज बनता है, दास दासी बनकर करके सिर्फ एक जन्म प्रिंस बनता है, एक जन्म प्रिंस बनते हैं बाकी सब जन्म दास दासी बनते रहते हैं, ऐसे वालों की संख्या कितने होगी जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनता है उनके उनको सुख काट पाएंगे, सुख काट पाएंगे क्या कैसा पाएगा, जन्म जन्मांतर दुखी होंगे ना? नहीं,
राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, राजाई घराने में जन्म लेते हैं, कि जो राजयोग नहीं सीखते हैं वो भी राजाई घर में जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं। नियम क्या है? जो राजयोग बाप से सीखते हैं वो राजघराने में जन्म लेते हैं, राजघराने में पलते हैं। जो बाप से राजयोग सीखते ही नहीं वो राजघराने में जन्म भी नहीं लेते और फिर पलते भी नहीं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही। जो दुनियादारी को छोड़ देते हैं, क्या दुनिया की पालना में नहीं पलते हैं? किसकी पालना में पलते हैं? है? किसकी पालना में पलते हैं? बाप की पालना में पलते हैं। बाप से ही पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई कौन सी है? राजयोग। तो राजयोग की जो पढ़ाई बाप से पढ़ते हैं, बाप से पलते हैं, बाप के नजदीक रहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें सरेंडर होकर रहते हैं, भले वो सरेंडर है। एक होते हैं दुनिया की नजरों में देखने के लिए सरेंडर, और एक होते हैं दुनिया की नजरों में सरेंडर नहीं है लेकिन अंदर से जो जिंदगी का पुरुषार्थ चल रहा है वो बाप जाने और वो बच्चा जाने। क्या ऐसा उनका सरेंडर होने का गुप्त पुरुषार्थ होता है कि तन भी जैसे बाप चलाएगा वैसे ही चलाएंगे, तन की कर्मेंद्रियों को भी वैसे ही चलाएंगे जैसे बाप चलाएंगे, धन को भी वैसे ही यूज करेंगे जैसे बाप यूज कराना चाहता है, मन के संकल्पों को भी बाप जैसे चलाना चाहता है वैसे कंट्रोल करेंगे, संबंधी और संपर्क में आने वालों को भी उसी तरह यूज करेंगे जैसे बाप यूज कराना चाहता है। तो क्या उनको सरेंडर नहीं देंगे? है सरेंडर है, वो दिखावे के सरेंडर है और वो वास्तव में सरेंडर है। लेकिन चाहे दिखावे के सरेंडर हो, थोड़े समय के लिए तो सरेंडर हुए, जो दिखावे के सरेंडर है कागज पर लिख करके दे दिया है स्टाम्प पेपर पर, थोड़े समय के लिए तो सरेंडर हुए ना, फिर तमोप्रधान बनते रहे, बाप को डिस्टर्बी करते रहे, तन धन स्वर्ग परिवार संबंधी उनको ही याद करते रहे, बाप के कार्य में नहीं लगाया, अपने स्वार्थ में लगाते रहे। तो नंबर वार 16,000 की लिस्ट में से नीचे उतर जाएंगे, लेकिन राजयोगी तो कहे जाएंगे। ऐसे राजयोगी चाहे दिखावे के हो और चाहे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो, गुप्त हो पुरुषार्थी, उनकी संख्या कितनी होती है? 16,108। तो जो 16,108 है उसमें राजाई पाने वालों की संख्या कितनी है? 108 सिर्फ। 16,000 में से कितने 108 ऐसे हैं जो राजाएं बनते हैं, 8 ऐसे हैं जो राजाएं भी बनते हैं महाराजाएं भी बनते हैं, और बाकी सब क्या बनते हैं? है? बाकी सब जो है ऐसे ही है, जो या तो एक जन्म के लिए राजा बनेंगे या तो एक जन्म के लिए भी राजा नहीं बनेंगे,
सिर्फ एक जन्म के लिए प्रिंस बन के रह जाएगी। तो नीच और ऊंच हो गए ना, तो नीचों की संख्या ज्यादा होगी या जन्म जन्मांतर महाराजा बनने वालों की संख्या ज्यादा होगी? 16,000 में से महाराजाओं का पार्ट बजाने वाले बहुत थोड़े, और सिर्फ एक जन्म के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन के रह गए और बाकी जन्मों में दास दास बनते रहे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। नहीं क्लियर हुआ? बाबा अष्टदेव जी अंत तक बाप के साथ देते हैं तो बाकी आत्माओं को तो इतनी वैल्यू ही नहीं रही, जो बाप के नजदीक रहने वाले को शब्द ही नहीं तो और आत्माओं का क्या फायदा है? यहाँ देखने में आ सकता है, यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में अभी जो संगम युग में बाप आया हुआ है तो अंदर से समझ सकते हैं कि हम बाप के कितने नजदीक हैं और कितने सहयोगी हैं, और अंत तक सहयोगी हैं या बीच में सहयोगी बनते हैं फिर टूटते हैं फिर बनते हैं फिर टूटते हैं, या थोड़े समय के लिए सहयोगी रहते हैं फिर टूट जाते हैं। बाकी ऐसे तो कोई नहीं है जो आज से लेकर के अंतिम क्षण तक तो बाप के सहयोगी बनकर के रहते हैं। ये तो ब्रह्मा का पार्ट है क्या? ब्रह्मा को हजार भुजाएं दिखाई जाती है, मीठा मीठा पार्ट है तो उसको सब सहयोग दे देते हैं। क्या कोई बच्चा दुखदाई है? दुख भी देता जाता है, हार्ट फेल भी करता जाता है तो भी अम्मा बड़ा प्यार कर रही है, वो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये धर्मराज का रूप धारण करेगा। तो जो मीठा रूप होता है उसको सब प्यार कर लेते हैं, सहयोग दे देते हैं, लेकिन बाप का ऐसा पार्ट नहीं है। बाप सख्त है, माँ जो है कमजोर होती है और बाप पावरफुल होता है। कमजोर माता को बच्चे दबाए लेते हैं लेकिन बाप को दबाए नहीं सकते, इसलिए सहयोगी शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती हैं, ब्रह्मा को सहयोग देने वाली ढेर की ढेर भुजाएं दिखाती हैं। हाँ, तो अष्टदेव भी नहीं है जो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक बाप के सहयोगी बने, आखिरी जन्म में माया उनको भी तोड़ लेती, इसलिए बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है। और आगे बाकी आत्माओं का तो इतना वैल्यू भी नहीं रही, वैल्यू ही नहीं रही जो बाप के नजदीक रहने रहने का प्रसाद भी नहीं तो और आत्माओं का क्या फायदा है? और आत्माओं का क्या फायदा है, किसको फायदा है, और आत्माओं का फायदा और नुकसान किसके लिए, किसके प्रति? भगवान के पास के प्रति, जो हीरो पार्टधारी है उसके प्रति। हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी के साथ पार्ट बजाने वाले ज्यादा से ज्यादा तादाद में कितने हैं?
इस कच्ची रूपी रंगमंच पर चाहे दुश्मन के रूप में पार्ट बजाए चाहे दोस्त के रूप में पार्ट बजाए, दोनों ही प्रकार से ज्यादा टोटल पार्ट धारे कितने हैं? अरे 500-700 करोड़ सभी है ना। तो सारे जो है तो वो तो 500 करोड़ की माला में नजदीक नहीं हो सकते। चलो 500 करोड़ की माला को छोड़ दो, 33 करोड़ की माला ले लो देवताओं की, देवता धर्म वालों की, तो उसमें भी नीचे मणके भी है और ऊपर के भी मणके हैं। ऊपर है बाप तो सब नजदीक हो जाएंगे क्या? नीचे वाले ज्यादा काम आवेंगे या ऊपर वाले काम आवेंगे? है जो माला में ऊपर दिखाए गए वो ज्यादा काम आएंगे, जो नीचे दिखाए गए वो कम काम आएंगे। ऐसे ही है 10 करोड़ की माला, जो वास्तव में देवता धर्म में जन्म लेते हैं उसमें भी कोई नीचे कोई नीचे। फिर है 2 करोड़ की माला सत्यु में आने वालों की, उसमें भी कोई ऊंचे कोई कोई नीचे। सब काम के हैं क्या? सब कैसे काम के हो? फिर है 9 लाख की माला, 9 लाख सितारे जो है वो कयामत के समय में संसार में बाप के ज्ञान की रोशनी फैलाने के सहयोगी तो सब बनेंगे। 9 लाख सहयोगी बनेंगे कि कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा? है? अरे 9 लाख के सारे सहयोगी तो बनेंगे लेकिन कोई कम कोई ज्यादा। जो ज्यादा सहयोगी बनेंगे वो 9 लाख की माला में नजदीक, और जो कम सहयोगी बनेंगे वो माला में नीचे। ऐसे 4.5 लाख की माला, फिर 1 लाख की माला, फिर 16,000 की माला, 1,000 भुजाओं की माला, 108 वो भी माला और आपकी भी माला। 8 की माला में सब एक जैसे सहयोगी होंगे या नंबरवार सहयोगी होंगे? नंबरवार ही सहयोगी होंगे। जो अव्वल नंबर सहयोगी होता है 8 नंबर की माला में, उसको माया खाएगी कि नहीं खाएगी अंतिम जन्म में? उसको भी माया खाएगी, बल उसके लिए गायन है कि शंकर भगवान को काशी नगरी बहुत प्रिय है। क्या वो कहां बात करते हैं? काशी नगरी में बात करते हैं, इतनी प्रिय है, बहुत नजदीक है। फिर भी कोई क्षण ऐसा आता है कि वो भी सहयोगी नहीं बनती, वो भी माया भी सहयोगी बन जाती। लेकिन और सहयोगियों के बीच में उसका नंबर अव्वल, औरों का नंबर बाद में। तो डटे रहने की बात है, अचल रहने की बात है, निश्चय बुद्धि रहने की बात है। जितना जितना निश्चय बुद्धि उतना उतना माला में भी जाएगी, और जितना जितना अनिश्चय बुद्धि तो माला में नीचे ही नंबर गिरेगा। बाबा सती ने अपना देहवान स्वर्ग किया तो शंकर जी तो गुस्सा क्यों आया?
गुस्सा देह अभिमान वाले को आता है या आत्मा अभिमान वाले को आता है? इसमें देह अभिमान होगा उसको गुस्सा है। तो जो शंकर को गुस्से वाली स्टेज दिखाई गई है वो उनके पुरुषार्थी जीवन की यादगार है या संपन्न स्टेज की यादगार? पुरुषार्थी जीवन की यादगार। जिस पुरुषार्थी जीवन में मनुष्य जो पुरुषार्थ करता है उसमें बीच बीच में देह अभिमान आता है या नहीं आता है? देह अभिमान आता है। और देह अभिमान वाले को, जिसको देह अभिमान आता है और देह अभिमान के आधार पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं, उन पांच विकारों की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है कि नहीं आता है? कामेश क्रोध है तो होता है या नहीं होता है? होता है। तो शंकर जी को वो स्टेज नहीं आ सकती? आ सकती है। मानवीय रूप ही तो है, पुरुषार्थी जीवन ही तो है, संपन्न रूप तो नहीं है। कैसे तो में तो कभी कभी 108 की मन का मतलब जगदम्बा वाले आत्मा को 108 की मन का उसके रूप में बताया था, कहा 108 में लास्ट की मन का ऐसे बोला है। लेकिन धर्म के बारे में सोचा तो सिख धर्म से निकलते हैं ऐसे बोल रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म से निकले क्या वो पुरुषार्थ करके जहां से निकला है उससे ऊपर नहीं जा सकता? उसमें जो पुरुषार्थ के संस्कार और कोई स्पेशल धर्म के भरे हुए हैं पुराने पुराने जन्मों के, तो वो भी उदित होते हैं। भक्ति मार्ग में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें सच्ची हैं या आटे में नमक मिसल सच्चाई है? आटे में नमक मिसल शास्त्रों में सच्चाई है और बाकी सब तो चित्र। शास्त्र कहाँ से निकले? शास्त्र निकले चित्रों से। अजंता जो एलिफेंटा की जो गुफाएं तैयार हुई है 2,500 साल पहले, वो पहले तैयार हुई थी। उन गुफाओं में जो चित्र तैयार किए गए थे उन चित्रों को देख करके फिर बाद में शास्त्र बने। तो न वो शास्त्र सच्चे हैं और न वो चित्र उतने सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए हैं और हमको कौन पढ़ाने वाला है? बाप। तो बाप हमें सच्ची बात बताता है कि दुनिया वाली सच्ची बात बताएगी? बाप ने हमें आकर के बताया कि स्वर्ग में क्या होता है और कैसे होता है, बाकी दुनिया वाले जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ होता है, क्या होता है और वहाँ कैसे होता है। वो तो कहते हैं स्वर्ग ऊपर है। तो स्वर्ग ऊपर होता है क्या? उनको यही पता नहीं है स्वर्ग कहाँ होता है कैसे होता है, वो तो जान ही नहीं सकते। तो बाप हमको आकर के बताते हैं कि सच्चाई क्या है।
द्वापर युग में द्वापर युग से जो भी राजाएं हैं माना बाबा कहते हैं माना हिस्ट्री भी कहते हैं कि इस्लामियों ने ज्यादा से ज्यादा राजाएं की हैं। माना क्या बाप की जो भी पढ़ाई है क्या वही धारण किया गया, राज्य वही सीखा जिसके कारण और धर्मों के बीच में जो भी विदेशी या विधर्मी है ना, उन विदेशी और विधर्मियों के बीच में सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है? राम धर्म सबसे जास्ती पावरफुल है ना, तो जब से जो सबसे जास्ती पावरफुल बीज होगा उसकी जड़ें भी सबसे जास्ती पावरफुल होगी, उसका तना भी सबसे जास्ती पावरफुल होगा। मतलब द्वापर युग के बाद में देवता धर्म तो कर रहे थे, देवता धर्म की आत्माएं तो राजा ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे। क्यों नहीं कर सकती, उनमें संस्कार नहीं है, है तो राजा ही प्राप्त करने के संस्कार तो है लेकिन प्रभाव में आ जाते हैं, किससे प्रभावित हो जाते हैं नहीं और धर्म वालों से प्रभावित हो जाते हैं, सब नहीं प्रभावित हो जाते हैं लेकिन देवी देवता सनातन धर्म में मोस्टली जो है दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं और दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती रहती है और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उनकी पिटाई होती है अच्छी तरह से, वो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं और उसमें भी संघर्ष करने वालों में भी अंदर अंदर दो तरह के, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी, तो अंदर की लड़ाई ज्यादा है खतरनाक होती है या बाहर की लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है? अंदर की ज्यादा मेंटल टेंशन कौन पैदा करता है, घर का देवी लंका डाले इसलिए इस्लाम धर्म की आत्माएं और धर्मों के बीच में ज्यादा पावरफुल होने के कारण ज्यादा प्राप्ति करती है, और ज्यादा प्राप्ति का कारण क्या है, कारण बताए, झाड़ के चित्र में कौन सा धर्म पिता है जो सिर्फ भारत की तरफ मुख करके बैठा है, है? और धर्म पिता है अपने अपने नशे में बैठे हुए और वो सिर्फ भारत की तरफ मुख किए हुए बैठा है, सहयोग क्या होगा, सहयोग क्या होगा, वो कौन है, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, और उसमें गुण विशेष कौन सा है, नहीं उसमें विशेष गुण है वफादारी, क्या इसकी जो बीज रूप आत्मा है या जो आधारभूत है विश्वभूषण हो या और कोई हो उसमें वफादारी विशेष होती है, वफादारी की बहुत बड़ी चीज है, चार ही तो मुख्य गुण बताए हैं जो आत्मा में देखे जाते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, ये चार गुण किसी में 100% हो तो बाप के दिल के ऊपर विजय, बाप के दिल पर जरूर चढ़ेगा और पद भी सबसे ऊंचा पाएगा, भक्ति मार्ग में तो सत्यनारायण की कहानी है, उसे ज्ञान मार्ग में झूठा बोलते हैं, तो ज्ञान मार्ग में कहानी पूरा झूठा बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि वास्तव में झूठी कहानी है ही, झूठी कहानी नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते नहीं है, ये पहले निर्णय करिए कि भक्ति मार्ग में जो कथा सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, भक्ति मार्ग में जो कथा सुनाते हैं वो झूठी है या नहीं, ज्ञान को छोड़ दो एक बार, झूठी है, कैसे वो झूठी ऐसे है
कि किसी की जीवन कहानी कोई सुनाना शुरू करे और उस जीवन कहानी में उसके जीवन का कोई भी वाकया नहीं बताया जाए, सिर्फ नाम नाम है जीवन कहानी, तो उसे सच्ची जीवन कहानी कहेंगे। सत्यनारायण की कथा में, सत्यनारायण किताब में लिखा हुआ है ऊपर सत्यनारायण की कथा, और अंदर किसकी कथा है? लीलावती कलावती लकड़हारा इनकी कथा है। तो कोई भी कहते हैं ये झूठी कथा है, ये सच्ची कथा है। जो पात्र है, हाँ, पात्रों की पूजा करने से संतान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संतान प्राप्त होता है। संतान प्राप्त होता है? अच्छा, फिर तो सबको संतान होने लगे। अगर ऐसा हो कि लीलावती कलावती की पूजा करने से संतान प्राप्त होती है, तो फिर ये संतान कोई नहीं रहना चाहिए। भारतवर्ष में तो घर घर में कथा होती है, होती है या नहीं? होती है। फिर निसंतान होते क्यों है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कपोल कल्पित गाथाएं हैं। कुछ लोग निसंतान वाले भी हैं ना, विश्वासम फलदायकम, जिनको विश्वास बैठ जाता है उनको प्राप्ति हो जाती है, और वो भी अपने पूर्वजन्मों के आधार पर संतान मिलती है या नहीं मिलती है, कथा करने के आधार पर मिलती है, पूर्वजन्मों के आधार, कर्मों के आधार पर संतान मिलती है या नहीं मिलती है, या अच्छी मिलती है या बुरी मिलती है, कथा करने से थोड़ी मिल जाती है। अभी जो आत्मा है अनित्य पद लेकर ज्ञान रखी है, उनका पद पहले से कम हो जाता चल रहा है। निश्चय तो विजय, निश्चय तो विजय, विजय है तो खुशी है, ये दुख है तो खुशी बढ़ी, खुशी किस आधार पर बढ़ी? विजय के आधार पर खुशी बढ़ी। विजय होती है तो राजा ही मिलती है, और हार होती है तो राजा ही चट हो जाती है। तो जो निश्चय बुद्धि है जब तक, तब तक उनकी खुशी की शूटिंग है, और अनिश्चय बुद्धि बन गए तो हार तो हो ही गई, अंदर से भी समझ रहे हैं कि हार होगी। फिर एक और बड़ा घाटा है, निश्चय बुद्धि है तो पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है कि मैं ऊंच से ऊंच मिला हुआ है, और अनिश्चय बुद्धि बने तो ऊंच से ऊंच खत्म। फिर आधार तो किसी का लेंगे कि नहीं लेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कोई न कोई का आधार लेगा, कोई न कोई को गुरु बनाएगा, कोई न कोई को अपने दिल की बातें बताएगा, दिल का दिलावर किसी को बनाएगा, जिसको दिल का दिलावर बनाएगा उसके आधार पर चलेगा, तो उससे नीचा पद होगा या उससे ऊंचा पद हो जाएगा? उससे नीचा ही पद होगा।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक ही क्यों न हो, सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई होगी? बड़े से बड़े तीर्थ में लगी हुई होगी। इसलिए उसको तीर्थ नाम दिया है, सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला। हिंदी में एक शब्द है हज, हो गया क्या? फायदा नहीं हुआ, क्या हो गया? हज हो गई। उसमें जो रा है वो आधा लगा हुआ, इसलिए बोलने में तकलीफ होती है, तो क्या कह देते हैं? हज हो गई। माना जो देवताएं थे वो इस्लाम धर्म जब से आया तब से कच्चे देवताएं जो है वो कहां कन्वर्ट हो गए? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। उन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को अंत में जब भगवान आता है तब उनको पता चलता है, अरे ये तो हर्ज हो गई, क्या हो गई है? नुकसान हो गया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? है नुकसान हो गया। अगर देवता धर्म में ही आदि से अंत तक रहते, हिंदू धर्म में ही रहते तो हर्ज नहीं होती, काई की हर्ज हो गई है? जो पर धर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके लिए गीता में लिखा धर्म में निधर्म से है पर धर्म हो बयावर, तो हज होगी या फायदा होगा? हज हो जाती है, तो हज करने जाते हैं। दो दाड़े नहीं है, 32 है। हाँ तो 32 दांतों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाती है। हाँ जी, तो ऊपर जो दाड़े है जो तैर रही है एटम बम, और नीचे समंदर के अंदर जो एटम बम तैर रहे हैं पनडुब्बियों में, वही तो बेहद है, है? उसमें सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये भगवान की दाढ़ है समझो, जब भगवान इस सच्ची पर आता है तभी ही दिमाग में आता है कि एटम बम बनाए जाए, उससे पहले बनते हैं? भगवान आता है तो उसकी दाढ़ निकलना शुरू हो जाती है। आप पूछना क्या चाहते हैं, इसे विरोधाभास कहाँ पर है? हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि बाबा मुर्गियों में बार बार अलग अलग डायरेक्शन क्यों देते हैं? हाँ, अलग अलग डायरेक्शन देते हैं बाबा, तो बाबा एक है तो एक ही डायरेक्शन देगा या अलग अलग डायरेक्शन देगा? अलग कहाँ हुआ? क्या अलग हो गया? आत्मा को देखना है। आत्मा को देखना है, हाँ, की बात को सुनना है। हाँ, आत्मा को देखना है और सब आत्माओं की बात नहीं सुनना है, किसकी बात सुनना है? जो सुप्रीम है उस आत्मा की बात को सुनना है। है तो वो भी आत्मा या नहीं आत्मा है? तो वो भी आत्मा है, तो विरोधाभास कहाँ है? जो इब्राहिम बुद्ध और क्राइस्ट के चेहरे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं चित्रों में, वो चेहरे देखने से ट्रांसलाइट के देखने में आ रहे हैं या जड़ देखने में आते हैं? पारदर्शी देखने में आ रहे हैं या देखने से ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धिरूपी आत्मा इस दुनिया में धरी हुई है? कैसे देखने में आते हैं? पारदर्शी देखने में आते हैं। ऐसे ही जो ब्राह्मण बच्चे हैं जब उनके चेहरे पारदर्शी बनेंगे, ट्रांसलाइट के बनेंगे, माने
वो रोशनी उनके चेहरों में और उनकी आंखों में दिखाई देगी लोगों को, तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। भगवान बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या दुनिया वालों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? किन बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? जो अव्यक्त स्टेज वाले होंगे, जिनके चेहरे फरिश्ता ही जैसे दिखाई पड़े, फरिश्तों जैसे चेहरे दिखाई दे, ऐसे ट्रांसलाइट के चेहरे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं अरे फरिश्तों की बुद्धि देहधारियों में लगी हुई होती है क्या? देह के संबंधों में लगी हुई होती है, तो कर्म बंधन से परे हो जाते हैं या कर्म इंद्रियों में बंधे हुए होते हैं? है? है? है जी। कबीयत में अर्थ ये है कि बुद्धि से जो भी संकल्प करेंगे, जिस आत्मा के लिए भी संकल्प करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल में पास्ट में दुश्मन ही बनकर के क्यों न रहा हो, वो बुद्धि रूपी हाथ सच्चाई का काम करेगा या दुख देने का काम करेगा? सच्चाई का काम करेगा। इसलिए बाबा भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सुख दो, सुख दो, दुआएं दो, दुआएं, यही हाथ ऊपर करना है। है क्या देवी के तो बाल लंबे दिखाते खुले हुए, हाँ देवताओं के भी खुले हुए दिखाते हैं, देवी देवताओं के बाल लंबे दिखाते हैं, देवी देवताओं के भी चित्रों में है, देवी देवताओं के बाल जो है खुले हुए दिखाते हैं, दिखाते हैं तो मतलब सुलझे हुए हैं क्या? साधु सन्यासियों की तरह जटाएं नहीं दिखाई गई, कोई देवता को जटाएं दिखाई जाती है? सुलझे हुए बाल दिखाए जाते हैं? नहीं, सुलझे हुए हैं। ज्ञान की जटाएं सुलझी हुई है या उलझी हुई है? सुलझी हुई है। हर ज्ञान का प्रश्न समाधान हुआ पड़ा है। हाँ। हाँ। तो इसका नाम और नाम के आधार पर काम कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? रावण का नाम कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण का अर्थ ही होता है जो लोगों को रुलाता है, रावण से लोका निराव, वो रावण का आ जाता है। तो अंतर क्या पड़ा? जो दुख देता है वो रावण, और जो सुख देता है वो राम। समाधान हो गया? हाँ। है सोना, हाँ सोना जिसे कहते हैं वो सत्युग में ही होता है। क्या सोना कहाँ होता है? सत्युग में ही होता है। शांति धाम में सोना सोना नहीं होता। शांति धाम में क्या होता है? शांति धाम में आत्मा होती है कि नहीं? और आत्मा हीरे की तरह चमकती हुई होती है या जो जड़तुमयी चीजें हैं, सोना चांदी पन्ना मूंगा मोती माणिक्य, ये जड़ है या चैतन्य है? ये जड़, जिसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है वो है हीरा। तो वो परम धाम को जब तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो आत्माएं क्या होंगी? है
ही रे विसर्जन। ठीक है, जब तत्व प्रधान बनती है तो अरे तत्व प्रधान जो बनेगा वो तमो प्रधान भी बनेगा। जो जितना तमो प्रधान बनेगा वो उतना तत्व प्रधान बनेगा, जो जितना ऊंचा जाएगा वो उतना नीचे जाने की भी ताकत रखता होगा। मंदिर की जो मूर्तियाँ होती हैं उन मूर्तियों में रोशनी होती है क्या? नहीं होती। और टीवी में तो वस्ती है तो अंतर नहीं होगा। पारदर्शक चेहरा टीवी में दिखाई देता है और पत्थर की मूर्ति हो गए, कितनी भी बढ़िया पत्थर की मूर्ति हो वो पारदर्शी पना नहीं हो सकता। वृत्ति वाइब्रेशन एक ही बात। हाँ इन लोगों को देर हो रही है या घर में जाके कलह कलेश होने वाला है वो निकल जाए। हाँ तो तुम इंतजार में बैठे हो कि रावण के सर कब कटेंगे तब हम जाएंगे। हाँ तुम्हारी आंखों में पट्टा चढ़ा हुआ है, इतना ज्ञान सुनाया जा रहा है तुम अर्धनारीश्वर को देख ही नहीं पा रहे, तो तुम्हें माँ दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? बिना अम्मा के बिना अम्मा के परिवार की पालना हो पाती है? होती है नहीं होती है तो तुम्हारी आंखें देख नहीं रही कि पालना हो रही कि नहीं? पालना हो रही तो बिना अम्मा की कैसे पालना हो रही है? घूंघट में है तो सबके लिए घूंघट थोड़ा ही होता है। अरे घर वालों के लिए घूंघट होता है या बाहर वालों के लिए घूंघट होता है? बाहर वालों के लिए घूंघट मुसलमान होगा। क्लास में आगे बैठे ना सब कृष्ण जी को क्या जब मैं क्लास में बैठी थी ना याद में तो उनके कृष्ण जी के बाबा दिया कृष्ण दिखाई पड़ा। हाँ दिखाई पड़ा माने साक्षात्कार हुआ है। अच्छा माने जब क्लास में बैठे हैं तब दिखाई पड़ा। हाँ। और जब जाएं तब देख रहे ऐसा नहीं होता है, है? अच्छा जब जाएं तब देखें वो ज्यादा अच्छा या क्लास में जब याद में बैठे सबके साथ संगठित याद में तब दिखाई पड़े साक्षात्कार हो वो अच्छा जब चाहे तब देखें संगठन में भी देखें। गणेश जी का जन्म पार्वती के महल से लिखा हुआ है। गणेश जी का जन्म पार्वती के महल से लिखा हुआ है। हाँ। तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? किसका? कार्तिक के। कितने मुंह होते हैं कार्तिक के? छह मुंह होते हैं। अगर छह मुख दिखाए गए हैं तो छह मुंह से बात करता होगा कि नहीं? हाँ। जरूर छह मुख से बात करता होगा। और वो छह धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म दिखा रहे हैं क्या? तीसरा है क्या? वो छह धर्म कौन कौन से हैं जो नास्तिक नहीं बनते? कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म और किसी धर्म बौद्ध धर्म संन्यास इस्लाम
को क्या नाम सन्यास मुस्लिम और सिख धर्म, ये छह धर्म पावर को लेते हैं जो दक्षिण भारत में उस सुब्रह्मण्यम स्वामी की बहुत पूजा होती है। ये विदेशी धर्म है, विधर्मी है या स्वधर्मी है? है विदर्भी और विदेशी बन जाते हैं, इसलिए दक्षिण भारत को भारत का विदेश का। ये कार्तिकेय छह माताओं की पालना लेता है, कसंग लेता है, छह माताओं की गोद में पलता है। तो छह माताएं वो छह प्रकार की धरणी है या नहीं है? छह प्रकार की धरणी है, तो छह प्रकार की उनकी बात है, छह प्रकार की उनकी धारणा है। इसलिए वो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। और बाबा कल्पवृक्ष का जो चित्र है उसमें गांधी जी का चित्र दिखाया, तो उनका क्या मतलब है? कल्पवृक्ष का जो चित्र है वो गांधी जी को कलयुग के अंत में दिखाया है या दूसरे युगों में दिखाया है? कलयुग अंत में दिखाया है। और कलयुग अंत में कौन सी गवर्नमेंट का शासन होता है भारत में? कांग्रेस गवर्नमेंट का। और कांग्रेस गवर्नमेंट का मुखिया कौन है? कौन है? अरे कौन है? गांधी जी। गांधी जी की बिटिया, जिसे वो बिटिया की तरह मानते होंगे, बेटी, उसका नाम क्या पड़ा? इंदिरा गांधी। ऐसे ही यहाँ भी है ब्राह्मण की दुनिया में, क्या बाबा गांधी नहीं कहते, बाबी कहते हैं गांधी। उनकी बिटिया भी ऐसी होगी गांधी। जो शासन चलता है वो शासन में यथा राजा तथा प्रजा। अब बिटिया अंधेरा बनाने वाली है कि सोजरा बनाने वाली है? अंधेरा बनाने वाली। तो जो फालू करने वाले हैं वो क्या होंगे? अंधेरा काम करेंगे या सोधरा काम करेंगे? अंधेरा काम करेंगे। इस्लाम धर्म क्या काम करता है दुनिया में? अंधेरा काम कर देता है। जो भी उसे फॉलो करने वाले हैं वो भगवान बाप को नहीं पहचानने देते, अज्ञानता फैलाते। तो अंतर है गांधी जी में, ठंडी प्रकृति के थे या गर्म प्रकृति के थे? चंद्रमा ठंडी होता है, ठंडी प्रकृति का है या गर्म प्रकृति का है? ठंडी प्रकृति है। इतनी ठंडी प्रकृति है कि सब बच्चों की बात मान लेते, और उनके मुकाबले एक दूसरी अस्थि भी थी या नहीं? वो गर्म प्रकृति वाली थी। वो कौन थी? सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस था वो गर्म प्रकृति वाला सूर्य था, और उसका प्रभाव जापान तक फैला हुआ था। सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व देश से निकलता है। आज में वो सफल हुआ या अस्त हो गया? गांधी जी के मुकाबले सुभाष चंद्र बोस सफल हुआ या असफल हो गया? असफल हो गया। वेद में भी कौन है? वेद में भी कोई आत्मा है जो आज में अस्त हो गई, असफल हो गई है? सुभाष चंद्र बोस वाली आत्मा
आत्मा नहीं है, वो तो एक मिसाल है। नहीं बाबा जैसे वो प्राप्ति करने वाली आत्मा वो है जो कलयुग के अंत में प्राप्ति करती है, और जो असली ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा है वो तो शक्ति के आदि में ही होते हैं। बाबा हमेशा बताया जाता है ना, जैसे वो मिसाल दिया गया पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ब्राह्मणों की दुनिया दो प्रकार की है, एक बेसिक वाली एक एडवांस वाली। कौन सी कब बात कर रहे हैं आप? एडवांस में पक्के बेसिक में नहीं पूछेंगे, बेसिक में मालूम है? नहीं मालूम है, बेसिक में नहीं मालूम। अरे बेसिक में वो है जो घर घाट छोड़ करके बैठे हुए, जिनसे पूछो तुम्हारा पति परमेश्वर कहाँ है, तुम विधवा हो या सधवा हो, तो क्या कहेंगे? मर गया या जिंदा है, क्या कहेंगे? अरे कोई मर गए। और भारत देश तो सदवाओं की पूजा होती है, यहाँ विधवाओं की पूजा नहीं होती। सन्यासियों के भी अगर मंदिर बनाए जाते हैं तो उनको छाया दी जाती है, या ऐसे ही नेताओं की तरह मैदान में रख दिए जाते हैं? छाया हम कहाँ रखते हैं? सन्यासी मंदिर ऐसे ही रख दिए जाते। तो इससे साबित होता है उन्होंने नई दुनिया का मकान बनाया ही नहीं है, और भगवान तो आकर नई दुनिया का मकान बनाते हैं, और उसके जो सहयोगी बच्चे बनते हैं देव देव आत्माएं वो भी नई दुनिया का मकान बनाने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए देवताओं के भी मंदिर बनते हैं और भगवान के भी मंदिर बनते हैं। बाबा मीरा कृष्ण की बहुत भक्ति थी तो वो भी ज्ञान में आई होगी क्या? अरे जो भक्ति करेगा वो ज्ञान में नहीं आएगा? हाँ जी हाँ जी। और बाबा है अज्ञान में कोई आत्मा किसी की गुलामी करती है? है अज्ञान में हाँ कोई आत्मा किसी की गुलामी करती है? काई की गुलामी करती है? पति की गुलामी करती है। पति की गुलामी करती? पति कौन है? अज्ञान में तो अज्ञानी ही पति होगा। बहन की भी गुलामी करती है? किसकी गुलामी करती है? पति की भी बहन की भी गुलामी करती है अज्ञान में। अज्ञान में हाँ इस ज्ञान में आने के बाद ज्ञान है भक्ति करता है बच्चा तो उसकी भी गलानी करती है। फिर ज्ञान में आने के बाद भी बच्चे की भी गलानी करती है। ज्ञान में आने के बाद भी बच्चे की गलानी करती है? बच्चे की बच्चे की गलानी करती है। ज्ञान में तो ज्ञान में आने के बाद भी पति की गिलानी करती है? पति की नहीं करती, पति की भी करती है। जब पति की ही गिलानी कर दी, बाप की गिलानी कर दी, तो बच्चे की अपने आप हो गई कि नहीं हो गई? बहन की भी गिलानी करती है? हैं? बहन की गिलानी करती है। अरे सारी दुनिया जो है वो गिलानी करने योग्य है या गायन करने योग्य है? तो चोर को चोर कह दे तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई क्या? गुरु नानक ने कहा अखंड की चोर आराम को, गलत कह दिया क्या? एक जो बाबा की ग्लानी न करे, 63 जन्म जो बाबा की ग्लानी करते रहे, सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है, और एक आखिरी जन्म में भी पहचान करके अगर ग्लानी करे तो पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा। चोर को चोर कह देने से, चोर चोरी करके भाग रहा है, सारा माल उठा के ले जा रहा है, अब कोई अगर चिल्ला दे चोर है चोर है चोर है तो पाप चढ़ेगा? नहीं है? नहीं। तो यही कह
बोलो हाँ में आकर प्रश्न करते बाप को प्रश्न करते प्रश्न चित्त बनते प्रश्न करते है वही प्रश्न चित्त बनते बच्चे बाप को हाँ तो वही प्रश्न नहीं करना चाहिए बाप को है बाप को प्रश्न नहीं करना चाहिए नहीं किसी के अंदर कहीं से कचरा आ गया मान लो वस्त्रों में कीचड़ लग गया तो साफ नहीं करना चाहिए करना चाहिए ऐसे ही ज्ञान में चल रहे हैं दर्पण जो है मन बुद्धि रूपी उसमें कहीं से इधर उधर से इस पार्टी से उस पार्टी से संग में रंग में आने से इसकी बात सुनने से उसकी बात सुनने से उसकी बात सुनने से कचरा आएगा कि नहीं आएगा आएगा अब कचरा आएगा वो चाहे हमारी अपनी आत्मा में कचरा आया हो और चाहे जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसका कचरा हो अरे प्रवेश करने वाली जो आत्मा जीके से आ रही है उनमें कचरा नहीं आता है उनमें भी कचरा आता है तो कोई भी प्रकार का कचरा अंदर आ गया है तो कचरे की सफाई नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए तो बुरा तो नहीं है बाबा मना करते हैं कि प्रश्न मत पूछो क्या कहा था नहीं चाहिए नहीं बाबा कहते हैं कि बाप से तुम क्या प्रश्न करेंगे जब ज्ञान में आए थे तो कुछ तुम जानते थे क्या नहीं। कुछ भी नहीं जानते थे बाबा ने एक सामान्य बात कह दी फिर भी अगर संग का रंग लग ही गया है बाबा ने तो मना किया क्या मना किया एक से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा और अनेकों से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान हो जाएगा तो विविचार का दोष तो लगेगा ना आत्मा में वो बार बार प्रश्न पैदा करेगा कचरा जब अंदर होता है खून में कचरा हो तो खुजली वगैरह पैदा होगी कि नहीं खुंची थोड़ा पैदा होगा कि नहीं बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं तो ऐसे ही है ईश्वर ज्ञान सुना रहा है हमने अंजाम कर दिया यज्ञ के आज में खून से लिख लिख करके अंजाम किया और अभी अभी खून से लिखवाना तो बंद कर दिया हिंसा मत करो क्या करो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दो ताकि एक लिखा और सौ पक्का बराबर हो जाए ये न कह सको तो हमने ऐसे नहीं किया था तो अंजाम कर लिया कि वास्तव में भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है तो एक की बात सुननी चाहिए या औरों की बात का एकांत पर धरनी चाहिए एक बाप की बात सुने दूसरों की बात अगर सुने भी तो दूसरे काम से निकाल दे उसको अंदर धारण करके और उसको मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार तो प्रश्न पूछना खराब बात नहीं है हाँ जी कचरा अगर अंदर आ गया है मान लो किसी ने हमको कन्वर्ट कर दिया है तो फिर उसको निकालना अच्छा है बाबा मना नहीं करते हैं कि प्रश्न मत पूछो वो पहचानती है क्या ये मन बुद्धि का सवाल है या देह का सवाल शास्त्रों में सिखाते है कि अभी गुरु जी के ऊपर अगर शिष्य को आक्रमण करना रहा है गुरु जी के ऊपर शिष्य को आक्रमण करना रहा किसको शिष्य को हाँ तो वो गुरु से परमिशन लेता था हाँ तो ये बात अच्छी है कि खराब है क्या गुरु से परमिशन होगा उसके अंदर माने प्रश्न करना है नहीं नहीं बाबा यहाँ आक्रमण क्या है क्या मुलाकात हुई ऊपर पत्थर अंतर लेके तो नहीं बैठे
क्योंकि शहर का नाम नागपुर है। हाँ बोलो 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 यार, ये ब्रह्मकुमारी आश्रम नहीं है, फिर होके बोलो। केले को ये कहते हैं तुम मत पूछो। अरे सिखाने वाले में ज्यादा ताकत होगी या सीखने वाले में ज्यादा ताकत होगी? सिखाने वाले में ज्यादा ताकत होगी, सीखने वाले में ताकत कम होती है। इसलिए गुरु सच्चा तो वो है। अष्टतत्व जब सिखाता है तो ये न कहे कि हमारे ऊपर पूरा वार नहीं करना, ये कहेगा किसी से नहीं, पूरा वार करो और हम तुम्हें बचाना सिखाएंगे। इसके लिए लागू होता है। झूठा सब संसार तो सबके लिए लागू हो गया ना। अरे कोई बचाओ उसमें जिसके लिए लागू नहीं हुआ। इन आंखों से जो भी देखते हो वो सारा झूठा है या सबको या सच्चा है? है इन विनाशी आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो झूठा है या सच्चा है? है क्या है? सब झूठा है। हाँ जी, बाबा। हाँ जी। एक जगह सेवा करने के लिए गए तो उन्होंने, हमने जो बताया साकार में परमात्मा का पाठ चल रहा है, तो उन्होंने कहा जैसे साइंस के इवेंट्स जो है वो सिद्ध करके दिखाते हैं, वैसे आप लोग सिद्ध करके क्यों नहीं दिखाते? क्या कि भगवान का पाठ, इस सृष्टि पर भगवान का पाठ जो चल रहा है यही भगवान है, ये बात सिद्ध करके? विज्ञान जो सिद्ध करता है वो स्थूल चीजों को सिद्ध करता है या सूक्ष्म चीजों को सिद्ध करता है? स्थूल तत्वों को सिद्ध करता है और हमारा ज्ञान स्थूल तत्वों का है या आध्यात्म ज्ञान है? आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान है। वो डॉक्टर लोग आत्मा को मानते हैं क्या? वो तो मानते ही नहीं, तो सिद्ध करने की बात ही नहीं। हम उनको कैसे सिद्ध करेंगे? हम तो उनको सिद्ध करेंगे जो आत्मा को मानते हैं, जो आकर के समझते हैं और कहते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सर क्या, अलग क्या, हम इन बातों नहीं मानते, तो उनको राय देना चाहिए। सर वैसे वो मानते हैं, उन सब बातों को वो मानते हैं। कौन मानते हैं? वैज्ञानिक लोग? नहीं नहीं, हाँ जिस टीचर के हम सेवा करने गए थे ना, तो वो मानते हैं आत्मा परमात्मा भगवान को मानते हैं, लेकिन जीसी मुकर व्रत में भगवान को मानते, जब जानते ही नहीं तो मानते क्या है? नहीं ये आप क्यों कहते हैं वो मानते हैं? उन्होंने, हमने जो बताया उसके ऊपर कुछ बात नहीं की, इसलिए उन्होंने सब ये वो मान लिया है। मान लिया, मान लिया। हाँ भगवान कौन है मान लिया? नहीं भगवान कौन है, लेकिन जीसी मुकर व्रत में जो पाठ चल रहा है भगवान का, ये सिद्ध करके दिखाओ ऐसे वो बात बोल रहे थे। अरे ये सिद्ध करके कोई स्थूल चीज है जो सिद्ध करके दिखाएंगे? ये तो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान से ही सिद्ध की जाएगी। वो पांच तत्वों की दुनिया, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, ये सब अज्ञान है या ज्ञान है?
जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब क्या है? वो सब अज्ञान अंधकार है। वो कहते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते, हम कहते हैं हम तुम्हारी सारी दुनिया को नहीं मानते। सब आसार है, सब खत्म होने वाला है। आज दिखाई पड़ रहा है, कल खत्म हो जाएगा। बाबा मिनी मधुबन तुमने गई नहीं कभी? मिनी मधुबन में गई कि नहीं? वहाँ कुछ गीता पाठशालाओं के मुकाबले कुछ नए नियम देखे या नहीं सुने? बस वैसा बनो। चलो भूख लगी। पापा बढ़िया।